मैं सोशल एक्टिविस्ट लाल हसैन कोहली विलेज चुरुंडा से हूँ। मैं यहाँ का एक बाशिंदा भी हूँ। मैं एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो मुश्किलात है वो पहले सड़क की है। थाजल से चुरुंडा आने वाली राबता सड़क की बहुत ही खस्ता हालत है। सड़क ठीक तरह से नहीं बनाई गई है। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट तो बड़े बड़े दावे करती है, बोलती है कि हमने सड़क बनाई है, लेकिन सड़क ठीक तरह से नहीं बनाई है। ना उसमें दीवारें लगी हैं, ना कलवट लगी है। किसी जगह क्रेट लगानी थी, क्रेट नहीं लगाई है। ना ड्रेनेज का सिस्टम है, पूरा पानी सड़क के बीच में चल रहा है। आगे से विंटर सीजन के 6 महीने हैं। 6 महीने में हमारी सड़क बहाल रहनी चाहिए, हमारी सड़क खुली रहनी चाहिए, हमारी सड़क बंद नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि चुरुंडा यहाँ से उड़ी तक एक पेशेंट को कंधों या चारपाई पर उठा के पैदल सफ़र करना पड़ता है। आज तो हमारी सड़क चलती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सड़क को ठीक तरह से बनाया जाए, उसके ऊपर मैग्नमाइज किया जाए, दीवारें लगें, कलवट लगे, क्रेट जिस जगह किसी जगह क्रेट नहीं है वहाँ क्रेट लगाए, हमारी सड़क को ठीक ठाक बनाया जाए। उसके अलावा हमारे चुरुंडा गांव की लैंड जो है वो डिफेंस के अंडर में आती है, उसका 10 साल से कंपनसेशन मुआवजा नहीं मिला है। इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, गांव चुरुंडा में हाई स्कूल दिया जाए, क्योंकि यहाँ एक मिडिल स्कूल है, हमारे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होती है आने जाने में। तो मेरी ये गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतज़ामिया से और होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी ये यही गुजारिश रहेगी कि हमारे चुरुंडा में भी एक हाई स्कूल दिया जाए।